देखिए, इस वीडियो में हम लोग पहले डिस्कस करते हैं एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन। तो ये हमें हेल्प करता है टू कीप द ऑब्जेक्ट एट पोजिशन। ठीक है, फ्रिक्शन की वजह से जो ऑब्जेक्ट रहता है वो अपनी पोजिशन और अपने शेप में बरकरार रहता है। सेकेंड है, इट हेल्प्स टू मूव द ऑब्जेक्ट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल फ्रिक्शन जो है वो रनिंग और वॉकिंग में हमें बहुत हेल्प करता है। ठीक है, फ्रिक्शन जनरेट होता है हमारे फीट या फिर शूज़ का सरफेस के साथ, तो हमें वो हेल्प करता है स्पीड करने में। ठीक है, रनिंग और वॉकिंग में भी हेल्प करता है। थर्ड है कि फ्रिक्शन फोर्स हेल्प्स टू मूव द ऑब्जेक्ट इन द स्पीड, जैसे कि स्पाइक्स आर यूज्ड बाय एथलीट्स टू रन। ठीक है, जूतों के पीछे स्पाइक्स बने रहते हैं। ठीक है, वो हमें हेल्प करते हैं स्पीड करने में, रन करने में। देन वी हैव कि फ्रिक्शन जो है वो ग्रिप बनाने में बहुत हेल्पफुल रहता है। ठीक है, जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा स्मूथ रहता है, एकदम चिकना सा रहता है, तो उसको उस पर ग्रिप बनाना काफ़ी मुश्किल रहता है। बल्कि जो थोड़ा खुरदुरा टाइप का नर्ल्ड सा टाइप का नर्ल्ड सरफेस रहती है जिसकी, तो उस पर फ्रिक्शन जो है ज़्यादा जनरेट होता है, तो इस वजह से ग्रिप अच्छी बनती है। ठीक है, और ये प्रोड्यूस हीट, ये जो है इस फ्रिक्शन फोर्स की वजह से क्या होता है, हीट भी जनरेट होती है। ठीक है, अब इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, जैसे कि क्या होता है ना, फ्रिक्शन की वजह से वियर एंड टीयर हो जाता है बहुत ज़्यादा। हमें ल्यूब्रिकेशन देना पड़ता है वियर एंड टेयर को रोकने के लिए। जैसे कोई मशीन है, हम उसका यूज़ करते जा रहे हैं करते जा रहे हैं, उस पर खूब फ्रिक्शन जनरेट होता है, तो उसकी वजह से उसका वियर एंड टेयर ज़्यादा हो जाएगा, वो जल्दी ख़राब हो जाएगी। तो हमें ल्यूब्रिकेशन प्रोवाइड करना पड़ता है फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए। ठीक है, वेस्टेज ऑफ एनर्जी, काफ़ी अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो वेस्ट हो जाती है। अभी हमने एडवांटेज में देखा था कि इससे हीट प्रोड्यूस होती है, तो हीट के फॉर्म में आपकी एनर्जी लूज हो रही है ना, तो यहाँ पे वेस्टेज ऑफ एनर्जी भी हो रहा है। ये हमारी स्पीड को भी स्लो डाउन कर देता है। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो हम ज़्यादा तेज़ शायद स्पीड में जा सकते थे स्केटिंग और रोलिंग में, लेकिन फ्रिक्शन की वजह से स्पीड रिड्यूस हो जाती है। ये मूवमेंट को थोड़ा डिफिकल्ट बना देता है। ठीक है, तो ये जो थे ये डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस थे। तो यानी कि हम इससे कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो फ्रिक्शन है एक नेसेसरी इविल है, ज़रूरी भी है और इसके कुछ नुकसान भी हैं। ठीक है,